पीड़ा, दिल्ली की हार की जो पीड़ा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी भुला नहीं पा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लोगों से मिला, कई केंद्रीय मंत्रियों से मिला, बीजेपी के कई सीनियर लीडर से मिला। उन्होंने प्राइवेट में बताया कि जब से दिल्ली की हार हुई है, दिल्ली के अंदर ना केवल भाजपा हारी, दिल्ली के अंदर भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो गया। तो बोले जब भी आपका नाम आता है प्रधानमंत्री जी के सामने, वो ऐसे तिलमिला जाते हैं जैसे उनका खून खौल उठता है अगर कोई अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री जी के सामने ले, बुरी तरह से बौखला जाते हैं। पिछले कई, जब से हमारी सरकार बनी है, हमने पूरी कोशिश की है, हमें जनता ने वोट दिया है, जनता की हमसे बहुत उम्मीदें हैं, और जो भारी बहुमत जनता ने दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी को दिया है, उससे लगता है कि जनता की कितनी अपेक्षाएं हम लोगों से, कितनी उम्मीदें हम लोगों से, उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए रात दिन लगे हुए हम लोग, 24 घंटे काम कर रहे हैं हम लोग। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, शायद 2 या 3 बार उनसे मुलाकात हुई है प्राइवेट में। उनको मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे जमीन भी नहीं चाहिए, जितनी जमीन है हम उसी से काम चला लेंगे। ये जो रोज रोज की खिचखिच है, कभी एलजी को पीछे छोड़ देते हो, कभी एसीबी को पीछे छोड़ देते हो, कभी एल किसी को पीछे, ये बंद कर दो, हमें तंग करना बंद कर दो। रोज रोज की जो हमारी सरकार के अंदर आप अड़चन डाल रहे हो, ये बंद कर दो। आपके जितने प्रोग्राम है मैं पूरे करके दूंगा, आपका स्वच्छ भारत का प्रोग्राम है, मैं इस दिल्ली को स्वच्छ बना के दिखाऊंगा और मैं सारा क्रेडिट आपको दूंगा। मैं खड़ा होकर कहूंगा मोदी जी ने साथ दिया था, मैंने बोला मोदी जी को अपनी मीटिंग के अंदर, जो अभी सतेंद्र जैन ने कहा, ये मैंने कहा था मोदी जी को, मैंने कहा दिल्ली को मैं 1 साल के अंदर, आप 1 साल दे दो मेरे को, 1 साल आप दिल्ली में अड़चन अड़ाना बंद कर दो, 1 साल के अंदर हम दिल्ली चमका के दिखा देंगे। अगली बार जब प्रेसिडेंट बैरक ओबामा दिल्ली आए तो सारा क्रेडिट आपको मिलेगा। बैरक ओबामा मेरे को थोड़ी जानता, वो तो मोदी जी को जानता, वो कहेगा मोदी जी ने आपको दिल्ली चमका दिया, तो हम सारा क्रेडिट आपको देंगे। आपका स्किल इंडिया मिशन है, हम दिल्ली में स्किल करके दिखाएंगे। आपका स्वच्छ भारत है, हम दिल्ली में भारत को स्वच्छ करके दिखाएंगे, दिल्ली को स्वच्छ करके दिखाएंगे। आपका योगा का सपना है, हम योगा दिल्ली को करके दिखाएंगे योगा। लेकिन आप अड़चन अड़ाना बंद कर दो, वो नहीं माने, कुछ नहीं बोले, वो अड़चने जारी रही। लेकिन दोस्तों 15 दिसंबर को जो हुआ, उसके पहले वो हमारे विधायकों को गिरफ्तार करते रहे, हम चुप रहे। वो कभी एलजी, हर एलजी के जरिए नल एंड वॉइड करते रहे, हम चुप रहे। हर किस्म की अड़चन लड़ाते रहे, हम चुप रहे। लेकिन 15 दिसंबर को जो उन्होंने किया, वो भारत के इतिहास में एक शर्मनाक दिन, काला दिन, शर्म आनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को जो इस किस्म का उन्होंने हरकत की है। जब मैं सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकलने लगा 10 बजे के करीब, तो मेरे पास फोन आया 15 तारीख को कि आपके दफ्तर के अंदर सीबीआई की रेड हो गई है। मुझे यकीन नहीं हुआ, रेड करनी थी तो चारा घोटाले वालों पे करते, कोयला घोटाले वालों पे करते, रेड करनी थी तो 2G वालों पे करते, सारे भूल गए ये लोग, व्यापम वालों पे करते, मेरे पे रेड हो गई है, मेरे पे किस चीज की रेड हो गई थी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, और कोई आरोप नहीं कुछ नहीं। उसके बाद पता चला, फोन आया मेरे पास किसी का, ये सवेर से जब से आए सीबीआई वाले मेरे ऑफिस में, एक डीडीसीए की फाइल है उसी को लेकर बैठे हैं, और कोई फाइल नहीं देख रहे, एक डीडीसीए की फाइल थी, सीक्रेट फाइल मेरे दफ्तर के अंदर, वो लेके बैठे हैं, सवेर से वही पढ़ रहे हैं। तो पता चला कि ये डीडीसीए की उस फाइल की वजह से आए। कुछ दिन पहले चेतन सांघी को, चेतन सांघी ने डीडीसीए की इंक्वायरी करी और महाघोटाले निकले, महाघोटाले निकले उसके अंदर, उसके खिलाफ 2 फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी लोगों ने, और अब ये उस डीडीसीए की फाइल की वजह से वहां पे छापा मारने आए थे। आज 8वां दिन है, पिछले 15 तारीख को रेड हुई थी, आज 8वां दिन है, आज 22 तारीख हो गई। 8 दिन के अंदर 6 दिन तक लगातार राजेंद्र कुमार की इंटेरोगेशन की गई है, 50 घंटे से ज्यादा की इंटेरोगेशन हुई, 14 घंटे से ज्यादा रेड चली, 14 ठिकानों पे रेड चली। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं, क्या मिला आपको? कुछ
अगर मिलता तो सीबीआई को मिलता बाद में बाहर आके पहले बताता ये मिल गया ये मिल गया। लीक करने में सीबीआई से ज्यादा माहिर कोई नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या मिला? कह रहे जी राजेंद्र जी के अकाउंट में 27 लाख रुपए मिले। अरे 1.5 का 2 लाख रुपए तनखा है उस आदमी की, सैलरी अकाउंट में डिक्लेयर कर रखा है वो अकाउंट नंबर। 27 लाख रुपए जो मिले वो अकाउंटेड फॉर मिले, सेविंग अकाउंट है। 2,39,000 रुपए का कैश मिला उनके घर में। मोदी जी का एक सूट बना था, पता नहीं कितने लाख का है जी, 10 लाख रुपए। मोदी जी का एक सूट 10 लाख रुपए का। हमारा अफसर जो वहां चाय बनाते थे बताते थे, कभी चाय वाले के पास 10 लाख रुपए का सूट आता है। ऐसी कौन सी चाय बेचा करते थे 10-10 लाख रुपए का सूट, और बता रहे हैं 1 लाख रुपए से कम तनख्वाह है। इस अफसर की 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह और 2,39,000 कैश मिल गया, वो भी अकाउंटेड को। एक लॉकर मिला उसमें कुछ नहीं, खाली लॉकर और 12 दारू की बोतलें मिली। इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र के सबसे बड़े प्रधानमंत्री रेड करवाएं और 12 दारू की बोतलें मिले तो शर्म की बात है।